नेताओं और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात। नेतन्याहू ने हमास के गुनाहों की पूरी लिस्ट बाइडेन को बताई। बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के समर्थन के लिए बाइडेन का किया धन्यवाद, कहा हमास का काम दानव जैसा। इजरायली प्रधानमंत्री ने हमास को बताया आईएसआईएस और नाजियों से भी ज्यादा खतरनाक, कहा हमास के लोगों ने बच्चों और महिलाओं को मारा। हमास के हमले को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने नरसंहार करार दिया, कहा आईएसआईएस से भी ज्यादा बर्बर है हमास, उन्होंने अमेरिकी नागरिकों को भी मारा। जो बाइडेन ने की इसराइलियों के हिम्मत की सराहना, कहा इसराइल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार, अमेरिका पूरी तरह इसराइल के साथ। गाजा के अस्पताल पर हुए हमले के लिए जो बाइडेन ने इसराइल को दी क्लीन चिट, कहा अस्पताल पर हमला दूसरे पक्ष का। हमास से जंग के बीच इसराइल पहुंचे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गले लगाकर किया बाइडेन का स्वागत। थोड़ी देर में नेतन्याहू संग बैठक करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति, एयरपोर्ट पर दोनों नेताओं ने मिलाया हाथ। अमेरिकी राष्ट्रपति के इसराइल दौरे को लेकर राजधानी तेल अवीव में बढ़ाई गई सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात। जॉर्डन में बाइडेन का अरब नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन रद्द, अरब नेताओं ने की अस्पताल हमले की निंदा। इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी से ईरान की बड़ी मांग, कहा इसराइल पर लगाया जाए तेल प्रतिबंध, इसराइली राजदूतों को भी हटाने की मांग, सऊदी अरब में हुई अहम बैठक। देर रात गाजा के सिटी अल अहली अस्पताल पर गिरा बम, करीब 500 लोगों की गई जान, हमास ने इसराइल को ठहराया हमले का जिम्मेदार। गाजा में अस्पताल पर हुए हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का बयान, कहा पीड़ितों के साथ मेरी संवेदना, हमले की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इसराइल ने हमले के आरोपों से किया इनकार, एक और वीडियो जारी कर कहा असफल रॉकेट हमले के लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार। गाजा के अस्पताल पर हमले से इजरायली सेना का फिर इनकार, कहा अस्पताल पर गिरा हमास का मिसफायर रॉकेट दावों पर पेश किए सबूत। जॉर्डन में गाजा अस्पताल पर हुए हमले का विरोध, इजरायली दूतावास के बाहर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। तुर्की में इजरायली दूतावास के सामने प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प, पुलिस ने पानी की बौछार का किया इस्तेमाल। अस्पताल पर हमले का वेस्ट बैंक में भी विरोध तेज, बड़ी संख्या में लोगों का प्रदर्शन जारी। अमेरिका के नेवादा में आमने सामने दिखे इसराइल और फिलिस्तीन के समर्थक, लास वेगस में किया प्रदर्शन। नेवादा में फिलिस्तीन और इसराइल के समर्थकों ने की नारेबाजी, गाजा में अस्पताल पर हुए हमले के खिलाफ किया विरोध। कोलंबिया के बोगोटो में सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग, फिलिस्तीनियों के समर्थन में किया प्रदर्शन। लेबनान की राजधानी बेरूत में अमेरिकी दूतावास के बाहर विरोध, प्रदर्शनकारियों ने की नारेबाजी और तोड़फोड़। इसराइल को समर्थन के बाद अमेरिका से नाराज है मध्य पूर्व के देश, पानी दवा की दिक्कतों से नाराजगी, हालात के लिए अमेरिका को बताया जिम्मेदार। अमेरिकी समर्थन से मध्य पूर्व के देशों का भड़का गुस्सा, अमेरिकी बयान को बताया मानवाधिकार के खिलाफ। इजरायली सेना ने जारी किया हमास के आतंकवादियों के कारनामे का वीडियो, आबादी वाले इलाके में बनाते हैं असले, इसराइल का दावा स्टोर किए गए असले में हुआ धमाका। लेबनान में मौजूद हिजबुल्ला ने गाजा में हो रहे हमलों को बताया नरसंहार, कहा इसके लिए सीधे तौर पर अमेरिका जिम्मेदार। गाजा के अस्पताल पर हमले से भड़का ईरान, विदेश मंत्री ने कहा महिलाओं बच्चों की हत्या यहूदी शासन का भयानक अपराध। गाजा में अस्पताल पर हुए हमले की फ्रांस ने भी की निंदा, कहा नागरिकों को निशाना बनाना उचित नहीं। भारत में इसराइल के राजदूत का बयान, कहा हमारे बच्चों को मारना चाहते थे इस्लामिक जिहादी लेकिन खुद के अस्पताल पर गिरा बम। इसराइल में अभी तक 31 अमेरिकी नागरिकों की गई जान, हमास के हमले में मारे गए सभी लोग। गाजा पट्टी में हमास कमांडर मोहम्मद अब्दुल्ला ढेर, हमास कमांडर अक्रम हिजाजी भी मारा गया। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इसराइल तैयार, IDF ने दक्षिणी क्षेत्र में ट्रेनिंग का वीडियो किया जारी।